हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वशंतम हृदयारविंदे भवम भवानी स्वयतम नमामि भवम भवानी स्वयतम नमामि। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस पवित्र भूमि श्री सोना जी खेतला जी पुरानी धाम पे आज ये एक कुंभ का मेला रखा गया है। इसमें पधारे हुए हमारे गुरुदेव श्री श्री 1008 संतोष भारती जी महाराज जी भादरा जून करसन गौशाला महामंडलेश्वर जी काशी वाराणसी। आज इस भूमि पे हमें आमंत्रण किया, हमें बड़ी प्रशंसा हुई कि श्री खेतला जी महाराज जी का दर्शन हुआ और माता बहनों हमारे यहाँ पे, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, फिर भी हमारे जो या जो कलाकार बैठे हैं हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ। हमारी बहना बेटी इनको तो हम YouTube पे देखते ही है हमेशा हर जगह, रमेश जी को भी देखते हैं हमारे बेटे हैं, ये तो सब हमारे परिचित है, अपन और भी कई आए हुए कलाकार, उनको बहुत बहुत मैं हृदय से नमन करता हूँ। ये सौभाग्य की बात है आज इस भूमि से निकलते हुए, इसी रास्ते से निकलते हुए 15 साल से मैं आना जाना करणवा गांव में प्राणी सेवा आश्रम में, वहां पे मैं राम भारती जी महाराज जी रहते हैं, महामंडलेश्वर जी, यहां आते जाते, परंतु इस रास्ते से कोई कितनी हजारों बार निकले पर यहां तक नहीं पहुंच पाए। पर आज इस कुंभ के मेले को देख के और यहां का अद्भुत नजारा और लीला देख के मुझे ऐसा लगा कि पहले मैं क्यों नहीं यहां पे आयो, पर आज भाग्य में मुझे आज ये परमात्मा ने बुलाया है, खेतला जी ने बुलाया है और आज दर्शन का भाग्य मिला हमें, इसलिए मैं बोला खेतला जी महाराज की। देखिए आज जितने भी बड़े बेटे हैं भक्त यहां पे विराजमान है, माताएं बहने हमारे बुजुर्ग पिता तुल्य एवं नन्न नन्न बालक, देखो ये आगे बैठे हैं बाल गोपाल, वारे वाह, क्योंकि ये श्रद्धा और भावना से इतने बैठे हैं, इतने मन लगा के बैठे हैं, क्योंकि ये आगे मधुमक्खी इकट्ठा कर करके कहां से फूलों में से शहद इकट्ठा करती है, कितना बड़ा छत्ता बनाती है और उसमें से शहद कितना निकलता है, छत्ता इतना बड़ा रहता है, शहद थोड़ा सा निकलता है और उसमें से शहद का स्वाद क्या होता है, भजन संध्या का अर्थ, अर्थ करने वाले शहद के मेन कलाकार जो ये बैठे हैं, ये सबसे बड़े आपको जो ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे और आपको एक एक चीज का भजन का कारण बताएंगे, अगर इसमें ढाई अक्षर भी अपने आपने ग्रहण कर लिया तो आप भी धन्य हो जाएंगे, क्योंकि रात दिन जो गाते हैं उनको हर एक चीज का, हर एक तान का पता रहता है और ये आपके लिए ही कर रहे हैं, रात को जागरण करते जागरण करते हैं, देखो दिन में भी कार्य कोई ना कोई कार्य करते होंगे, दिन रात में भी देखो जागरण करते हैं, किस लिए करते हैं, आपके लिए, मानव और एक मानवता दो तरह के होते हैं, मानव तो सभी है पर मानवता किसी किसी में है, मनुष्य सब में है, मनुष्य सब है पर मनुष्यता किसी में है, इसलिए परमात्मा के यहाँ पे जो खेतला जी महाराज का ये बहुत पुरानी धाम है,
और ये तो अद्भुत लीला है। यहाँ तो साक्षात एक ये क्या कहते हैं वो, जैसे कुंभ का मेला भरता है और वहां पे जो दिव्य एक दिव्य दृष्टि जो दिव्य होती है ना, दिव्य अद्भुत दिव्य पृथ्वी और एक दिव्य दर्शनीय, ये दिव्य दर्शनीय है खेतला जी महाराज जी का धाम। बोलो खेतला जी महाराज की। क्योंकि आज हम थोड़ा, क्योंकि कई जागरणों से हम थोड़ा के आए हैं, इसलिए तबीयत भी बरोनी में ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बीच में चौंक रहा हूं मुझे पता, इसलिए मैं मेरे इस वाणी को यहीं समाप्त करता हूं, विराम देता हूं। और आगे हमारे जो भी यहाँ भाई बंधु हैं, हमारी बहन आई हुई हैं, इनको भजन का या अथवा स्वागत का